दोस्तों कल जैसा जैसा बताया मैच में बिल्कुल वैसा ही हुआ और दोनों मैचेस मिला के हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया और हमारा यूजर्स ने मेगा कॉन्टेक्स्ट मिस कर दी। इससे आप लोगों को पता चल गया कि हमारा प्रेडिक्शन किस लेवल का होता है और वीडियो देखने का फायदा क्या है वो आप लोगों को समझ में आ गया। दोस्तों वीडियो देखने से आप लोगों को सब कुछ क्लियर होता है, आपका मन में जितना भी डाउट है सब कुछ क्लियर कर देते हैं हम कि कौन सा खिलाड़ी को लेना है, किस प्लेयर को ड्रॉप करना है, कौन सा प्लेयर्स को हम कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं, कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिनके मदद से हम वन साइडेड जीएल एसएल और मीजीएल क्लीन स्वीप कर सकते हैं। तो अगर आपको आज का इस मैच में हर एक स्मॉल लीग जीएल मिनी जीएल वन साइडेड विन करना है तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक कंप्लीट वॉच करना। तो आज वेस्ट इंडीज के साथ स्कॉटलैंड के बीच में वर्ल्ड कप T20 का थर्ड मैच खेला जाएगा और मेरे हिसाब से आज का मैच हमारा लिए बिग जैकपॉट होने वाला है, उसका लॉजिक भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो दोस्तों मैच का जो टाइम है वो है मॉर्निंग 9:30 बजे, तो अगर आपको पैसा कमाना है तो मॉर्निंग मॉर्निंग उठ जाना, ठीक है। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो, बट कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद चला जाना इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करके आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अगर लिंक हम नहीं कर रहे तो आपको अपना टेलीग्राम ओपन करना है, जाके सर्च करना @smartrealteam। जैसे ही आप @smartrealteam लिखकर सर्च करोगे हमारा स्मार्ट रियल टीम का टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, जहां पर ऑलरेडी 50,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर ज्वाइन है। बस यही चैनल आपको ज्वाइन करना है, इनके अलावा कोई भी दूसरा फेक चैनल मिले तो आपको स्किप कर देना है। नेक्स्ट हम देखेंगे वेन्यू स्टेट, इससे आप लोगों को पता चलेगा कि ग्राउंड किस प्रकार है और एक्चुअली इस ग्राउंड में क्या कुछ होता है, और इससे आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि आज का मैच में कितना स्कोर बन सकते हैं और कितना विकेट जा सकते हैं। तो अभी तक इस ग्राउंड में 3 मैचेस खेला गया, उनमें से बैटिंग फर्स्ट ने 2 मैचेस, बैटिंग सेकेंड ने 1 मैचेस। एवरेज स्कोर बहुत ज्यादा है दोस्तों, 182 का एवरेज स्कोर है। तो इससे आप लोगों को समझ में आ गया कि जो टीम टॉस जीतेगा वो बैटिंग सेकंड सॉरी फास्ट करना पसंद करेगा और हाई स्कोरिंग गेम बन सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम स्कोरिंग पैटर्न पे थोड़ा नजर डालें तो 150 से नीचे अभी तक एक बार नहीं बना, तो इससे आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि आज का मैच में 150 से ऊपर स्कोर बनेगा, ठीक है। 150 से लेकर 170 के बीच में एक बार स्कोर बन चुके हैं, 170 से लेकर 90 के बीच में भी दोस्तों एक बार स्कोर बन चुके हैं, 190 से ज्यादा एक बार स्कोर बन चुके हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आज का इस मैच में कितना स्कोर बन सकते हैं, उसका डाटा भी मैं आप लोगों को क्लियर कर दिया। तो थोड़ा बहुत हम लास्ट मैचेस का डाटा भी उठा कर देख लेते हैं, इससे आप लोगों को और भी आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली मैचेस में क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान में थोड़ा देखिएगा, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 155 से ज्यादा स्कोर बना था और इसमें दोस्तों कितना विकेट लिया था, 9+5 14 विकेट, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड 200 से ज्यादा स्कोर बना था, इसमें 9 और 4 13 विकेट। और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज यहां पर एक मैच खेल के आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया ने 179 बनाया था, इसमें भी आपका विकेट गया था 16 विकेट। तो कुल मिला के देखा जाए तो 12 से लेकर 15 विकेट आज का मैच में जा सकते हैं और 170 से ज्यादा स्कोर बन सकते हैं। तो इससे हमें साफ साफ आइडिया लग गया कि हमारा जो कॉम्बिनेशन रहेगा हमें बैट्समैन भी अच्छा सा लेना है, ठीक है, और साथ में हमें डेथ ओवर का जो बॉलर्स रहेगा ना वो हमें कवर करके जाना है। और हमारा जो कॉम्बिनेशन रहेगा, हम 4 बैट्समैन रखेंगे अपना टीम पे, 2 से 3 ऑल राउंडर हम रखेंगे और बाकी दोस्तों हम 3 बॉलर रखेंगे, इस तरह का हमारा कॉम्बिनेशन बनाना है। ऐसा कभी मत करना कि आपने 6 बॉलर ले लिया या 6 बैट्समैन ले लिया या 4 ऑल राउंडर भर भर के ले लिया, उससे आपका कॉम्बिनेशन बिगड़ जाएगा, ठीक है ना। मजा आ रहा है ना, तो लाइक करो यार, बहुत कुछ मिलने वाला है, ये तो बस शुरुआत है, ठीक है। अगर हम हाईएस्ट स्कोर पे नजर डालें तो ऑस्ट्रेलिया ने 213 बनाया था जो कि ये वाला मैच है, ठीक है। लोएस्ट स्कोर की अगर हम देखें, इंग्लैंड की टीम ने 155 बनाया था जो कि ये पहला वाला मैच है। तो क्लियर हो गया कि ग्राउंड में क्या हो क्या रहे और इस मैच में क्या कुछ हो सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे दोनों टीम्स का प्रोबेबली प्लेइंग 11 क्या रहेगा, साथ ही साथ
हर एक प्लेयर्स का रिसेंट मैचेस का परफॉर्मेंस मिल जाएगा, उसके साथ ही साथ हर एक प्लेयर्स का ऑल ओवर करियर का फुल स्टेट भी आप लोगों को मिल जाएगा। बट उससे पहले मैं थोड़ा इधर इसको लेके आता हूँ, ठीक है, और कलर भी थोड़ा मैं चेंज करके ये वाला रख देता हूँ। चलो बढ़िया, क्लीन एकदम आ रहा है, ठीक है। तो वेस्ट इंडीज के साइड से मेरे हिसाब से इस टाइप का प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा। बट दोस्तों बैटिंग ऑर्डर कुछ भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही बैटिंग ऑर्डर रहेगा, ठीक है। बैटिंग ऑर्डर मत देखो यार, अभी हम सिर्फ प्लेयर्स के बारे में जानेंगे जिससे हमें काफी नॉलेज मिलेगा। तो ब्रैंडन किंग, इवन लुइस, केट मायर्स, निकोलस पुरान, तो इनका जो चार टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, आप देखो चार बैट्समैन में से कौन सा खिलाड़ी किस टाइप का है। ब्रैंडन किंग की अगर हम बात करें, लगातार पांच मैचेस में से अगर देखें तो सिर्फ एक ही मैच में 50 से ज्यादा स्कोर है, बाकी में 20, 25, 13, 12 करके आउट हो गया था। इवन लुइस पांच में से सिर्फ एक मैच में 50 से ज्यादा है। मायर्स 40 के आसपास है पांच मैच में अगर देखें तो। पुरान पांच में से पांच मैच में पूरी तरह से फेल है मेरे भाई। और रावन पॉल की अगर हम देखें, ये भी दोस्तों 20-22 कर रहे हर एक मैचेस में, थोड़ा डाउन आते हैं। ब्रूक्स के अगर हम बात करें, ये ठीक ठाक प्लेयर है दोस्तों, दो मैच में 40 से ज्यादा है लास्ट पांच अगर हम देखें, और बाकी में 20-13-15 करके है। जे चार्ल्स जो कि एक ओपनर बैट्समैन है, ठीक है, मैं पहले ही बताया बैटिंग ऑर्डर कुछ भी हो सकते हैं, बट हम अभी प्लेयर्स के बारे में जानेंगे, इनका परफॉर्मेंस भी उतना खास नहीं रहा। होल्डर की अगर हम बात करें तो इनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। ओडेन स्मिथ काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, एकेल होसेन का भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, और रोमान की अगर देखे तो 19 है, ठीक है। इनके अलावा और भी काफी सारा प्लेयर्स है जो कि बेंचेस में है, उनके बारे में बताऊंगा, ठीक है, तो वीडियो में बने रहना। आप देखो कौन सा खिलाड़ी को हमें पिक करना चाहिए, किस खिलाड़ी को हमें ड्रॉप करना चाहिए। तो ये जो चार बैट्समैन है, आप लोगों का मन में डाउट आएगा कि चार तो मुझे भाई नहीं चाहिए, मुझे किसी दो बैट्समैन चाहिए या एक बैट्समैन चाहिए, तो उसके लिए हम ऑल ओवर करियर स्टेट पे थोड़ा नजर डालेंगे, ठीक है। ऐसे तो देखने में क्या लग रहा है कि चार खिलाड़ी का परफॉर्मेंस एक जैसा है, क्योंकि पांच पांच मैच खेल के सभी खिलाड़ी ने एक एक मैच में 50 से ज्यादा स्कोर किया था। तो ब्रैंडन किंग का जो एवरेज है वो है 24, ठीक है। इवन लुइस का है 32, और दोस्तों मायर्स का है 23, और पुरान का है 26। तो फर्स्ट ऑप्शन पे मेरा रहेगा इवन लुइस, ओके। सेकेंड ऑप्शन पे रहेगा मेरा पुरान, थर्ड ऑप्शन पे रहेगा ब्रैंडन किंग, और फोर्थ ऑप्शन पे रहेगा दोस्तों मायर्स। बट मायर्स बॉलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको दो प्लेयर लेना है तो आप इवन लुइस पुरान के साथ जाओ, अगर आपको तीन प्लेयर लेना है तो आप ब्रैंडन किंग को ऐड करो, अगर आपको चार लेना है तो आप चार ले सकते हो। तो ये डाउट आ सकते हैं टीम बनाने के समय, इसलिए मैं आप लोगों को बताया कि किस प्लेयर को हम फर्स्ट पोजिशन पे रखें। आप देखो ऑलराउंडर और बोलर्स लेके भी ऐसा आप लोगों का मन में क्वेश्चन आ सकते कि हम एकेलेसन, स्मिथ और होल्डर में से किसी दो को अगर हमें पिक करना है तो कौन सा खिलाड़ी बेस्ट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन के लिए, ठीक है। तो जैसन होल्डर की अगर हम देखें, 38 मैचेस खेला है, 46 विकेट है, और साथ में 14 का एवरेज में स्कोर बनाता है। ओडेन स्मिथ की अगर हम देखें, 19 मैचेस खेला है, 21 विकेट है, और 12 का एवरेज है, ये काफी कवर बैटिंग कर लेते हैं। एकेल हुसन की देखें, 25 मैचेस खेला है और 22 विकेट है। तो फर्स्ट ऑप्शन पे मैं रखूंगा जैसन होल्डर को, सेकेंड पे ओडेन स्मिथ, और थर्ड ऑप्शन पे रखूंगा एकेल हुसन को। तो क्लियर हो गया कि किस प्लेयर को लेना है, किस प्लेयर को ड्रॉप करना है, और कोई भी अगर कंफ्यूजन आया कि भाई चार में से किसको लो किसको ड्रॉप करो, वो आप लोगों को मैं क्लियर कर दिया। तो चलो अब हम दूसरा टीम का भी देख लेते हैं। तो इनके साइड से इस टाइप के प्लेइंग 11 हो सकते हैं, फिर से मैं बता रहा हूं बैटिंग ऑर्डर मत देखो, कुछ भी होगा, ठीक है। तो एम क्रॉस की अगर हम बात करें, ठीक ठाक है, विकेट कीपर के साथ साथ बैटिंग भी कर लेते हैं, इस प्लेयर का परफॉर्मेंस यार एकदम बेकार है, डायरेक्ट ड्रॉप करो। बेरिंगटन का अगर हम देखें, काफी सही परफॉर्मेंस है, बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग करके भी देगा, ठीक है। कॉलम की अगर हम बात करें, एक टेक्निकल बैट्समैन है, रिसेंट परफॉर्मेंस उतना खास है नहीं, तो इसको पिक करना है कि नहीं करना, मैं अपना जब प्रेडिक्शन दूंगा तब आप लोगों को बताऊंगा। जोन्स की डायरेक्ट हम ड्रॉप करते हैं। उसके बाद दोस्तों जॉर्जिया की अगर हम बात करें, काफी सही परफॉर्मेंस है, हर एक मैच में 20-20 करके मार रहे, मतलब आप लोगों को 30-40-50 पॉइंट इजीली दे देगा, इतना अगर आप लोगों को पॉइंट चाहिए तो ऑब्वियसली इसको पिक करना, ठीक है। क्रिस की अगर हम देखें, इनका परफॉर्मेंस सबसे मुझे सही लगा, देखो रन प्लस विकेट, रन फिर विकेट, फिर यहाँ पर पलक हुआ है, फिर यहाँ पर पलक हुआ है, तो ये बढ़िया ऑलराउंडर है दोस्तों, और इनका सिलेक्शन जाके देख लो 5 या 6% है, तो ये हमारे लिए ट्रम्पिक बनेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम देखें
तो मीचेल की अगर हम बात करें, इनका भी परफॉर्मेंस उतना खास नहीं है, बट एक ऑलराउंडर है, हम इसको पिक कर सकते हैं। ब्रैंडन की अगर हम बात करें, इनका डेब्यू रहेगा, अगर खेलेगा तो, नहीं खेलेगा तो इनका कुछ एस्टेट है नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ। उसके बाद जॉस की अगर हम बात करें, इनका परफॉर्मेंस गजब का रहा यार, 1 विकेट, 3 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट, और इनका भी सिलेक्शन जाके देख लो बहुत कम है, ठीक है। उसके बाद इस प्लेयर का अगर हम देखें, 0-1-0-1-0, आप देखो कंफ्यूजन कहां पर आएगा, ठीक है। मैथ्यू क्रॉस को तो हमने ले लिया क्योंकि विकेट कीपर में पुरान है और क्रॉस है, अगर पुरान को ले रहे हो तो इसको ड्रॉप करो, अगर पुरान को नहीं ले रहे तो इसको हमें पिक करेंगे, ठीक है। इसको तो हम ऐसे ही ड्रॉप करेंगे, इसके साथ हम किसी का कंपेयर नहीं करेंगे। बाकी कंफ्यूजन आएगा कि हम ब्रिंगटन को पिक करें या कलम को पिक करें। तो अगर आपको एक ऑलराउंडर चाहिए, मतलब एक बैट्समैन और पार्ट टाइम बॉलर चाहिए, तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन रहेगा ब्रिंगटन और दूसरा ऑप्शन है कलम। दोनों में से अगर किसी को लेना तो फर्स्ट ऑप्शन मैंने बता दिया। अब देखो, और एक आप लोगों का मन में डाउट आ सकते हैं कि हम यहाँ पर क्रिस को पिक करें या मिचेल को पिक करें, दोनों में से किसी एक को अगर पिक करना है, तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन रहेगा क्रिस, उसके बाद रहेगा दोस्तों मिचेल, ठीक है। नीचे आप लोगों को ये दो बोलर्स लेके कंफ्यूजन आ सकती है, तो फर्स्ट ऑप्शन को ओबीएसली में जॉस डिकबैक रखूंगा और दूसरा ऑप्शन रहेगा ये। तो क्लियर हो गया ना कि दोनों को अगर लेना है तो दोनों को ले सकते हो, किसी एक को लेना है तो किसको लेना है वो मैं आप लोगों को बता दिया। अब देखिए कुछ बेंचेस में भी प्लेयर है दोनों टीम्स का, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं ताकि कोई भी प्लेयर खेले हमें प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं बताया था कि वीडियो को देखो या सब कुछ पता चल जाएगा, हर एक प्लेयर्स के बारे में हम बात करते हैं, तुक्के में हम कुछ नहीं बात करते, ठीक है। तो जोसेफ इनके साइड से बेंच में रखा हूं, प्लेइंग 11 पे आ सकते हैं, काफी सही इनका परफॉर्मेंस यार गजब का है, 3 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, जब जब विकेट लेगा ना 2-3 विकेट ऐसे निकल कर दे देगा। उसके बाद ओडेन की अगर हम बात करें, इनका भी दो तीन का भाई सिनारी लगाई हुआ है। उसके बाद क्वार्टरल की अगर हम देखें, 1 विकेट 2 विकेट है इनके नाम पे, इस प्लेयर का उतना खास नहीं है। ऑल ओवर स्टेट भी आप लोग देख सकते, इस साइड में ऑल ओवर स्टेट है। इनके साइड से अगर हम देखें 16 है, हर एक मैच में 1-1 विकेट निकाल है, पर उससे भी अच्छा है हमजा ताहिर, गजब का प्लेयर यार, 1-1-1-2-2-2, और इनका भी ऑल ओवर स्टेट देख लीजिए, 15 मैच खेल के 23 का है, तो अगर खेलेगा तो बिग ट्रॉम्पिक बन जाएगा। मार्क वेट की अगर हम देखें, 1 विकेट है 1 विकेट है 1 विकेट है। ऑल ओवर स्टेट भी देख लीजिए, 47 मैच खेल के 57 है, मतलब हर एक मैच में 1-1 विकेट है। ब्रेड की अगर हम देखें, बहुत तो सही नहीं बोलूंगा बट ठीक ठाक एवरेज है, 14 मैच खेल के 13 विकेट लेके रखा है। तो ये रही दोस्तों हर एक प्लेयर्स का प्रेडिक्शन, ठीक है, मैं आप लोगों को दे दिया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया कि किस खिलाड़ी किस टाइप के, फिर भी यार कुछ लोग होता है जिनको यार कितना भी लेके दे दो उसको मन ही नहीं भरता। तो अब मैं आप लोगों को दूंगा कैप्टन और वाइस कैप्टन, ठीक है। तो कुछ लोग भाई फिर भी मैसेज करते हैं कि भाई कैप्टन वाइस कैप्टन बताओ, टीम बताओ, ठीक है ना। तो चलो कैप्टन वाइस कैप्टन भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, जिससे आप लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा कि किस प्लेयर को कैप्टन बनाना सही रहेगा, ठीक है। तो होल्डर के मैच में से किसी एक को आप लोग बना सकते हो। जोसेफ को मैं इसलिए रखा क्योंकि हर एक मैच में 2-3-2 करके विकेट ले रहा है, तो अगर ये 2 विकेट ले लिया तो 70-80 पॉइंट देखे जाएगा। मैं क्योंकि रखा हूं क्योंकि ये भी 1-2-1-2 करके विकेट ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग जोसेफ या मैको को कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हो, तो इनका टाइम अगर पहले बॉलिंग करेगा ना, तो आप लोग दो बोलर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बना सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन क्रिस रहेगा, इनका टीम अगर पहले बैटिंग करेगा, मान लो कि ये 30+ स्कोर बना दिया और साथ में 1 विकेट ले लिया, तो भाई हमारा काम बन जाएगा, ओके। तो ये रही है कुछ कैप्टन वाइस कैप्टन का ऑप्शन। अब देखिए ट्रॉम्पिक क्रिस काफी अच्छा प्लेयर है, फिर भी इनका सिलेक्शन है 6%। तो इससे आप लोगों को पता चल गया कि ये बंदा क्या कर सकते हैं और हम कैसे इस मैच को जैकपॉट बना सकते हैं, ठीक है। ओल स्मिथ 32% सिलेक्शन है, हालांकि पता नहीं यार लास्ट में क्या होगा, ठीक है। अभी जो मैंने देखा टीम बनाने के समय तब का डाटा मैं दे रहा हूं, ठीक है। एस पोर्टल के देखिए 11% है और एके लुसन का भी 8%। ये जो 4 प्लेयर खेलेगा तो 4 का 4 प्लेयर हमारा स्मॉल लीग जीएल मिनी जीएल हर एक टीम पे होना जरूरी है, ओके। तो गाइस ये रहा है कैप्टन वाइस कैप्टन और ट्रॉम पिक। आप जो मैं देने वाला हूं वो आप लोगों को कोई नहीं देगा, पूरा यूट्यूब छान मार लो, कहीं पर आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो मैं अब आप लोगों को दूंगा मेरा खुद का प्रेडिक्शन, और कल का दोनों मैचेस में मैं आप लोगों को अपना 10-10 प्लेयर का प्रेडिक्शन दिया था, और कुल मिला के अगर हम देखें तो सबको पता है कि 10 में से 7 से 8 प्लेयर का प्रेडिक्शन मेरा सही था, ठीक है। तो आज मैं थोड़ा ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हूं, मुझे लग रहा है कि 10 में से 8 से 9 प्लेयर का प्रेडिक्शन सही निकल कर आएगा, ठीक है। और अगर मैच पलट गया तो कुछ भी हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड अगर हो गया तो, ठीक है, वेस्ट इंडीज अगर ऑल आउट हो गया, ये सब अगर कुछ अगर अनएक्सपेक्टेड हो गया, तो क्रिस मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत स्कोर करेगा, साथ में 1 विकेट निकल कर देगा। होल्डर को तो 1 विकेट कंफर्म है, स्मिथ को भी 1 विकेट कंफर्म है,
मैथ्यू क्रॉस फेल होने वाला है, जॉन्स भी फेल होने वाला है, ब्रिंगटन थोड़ा अच्छा खेलेगा, गुड स्कोर मार सकते हैं, बी किंग को मैंने गुड स्कोर पर रखा, ये भी 30-32 करके देगा, ए होसेन एक से दो विकेट या तीन विकेट निकल सकते हैं, सॉरी ए जोसेफ, ए होसेन को एक विकेट कंफर्म है, इवन लुइस को अच्छा स्कोर मिल सकता है। ठीक है, ये रही है मेरा 10 प्लेयर का प्रेडिक्शन। यार एक टीम बनाने के लिए आपको कितना प्लेयर चाहिए आप खुद ही बताओ, 11 प्लेयर चाहिए ना, तो 11 प्लेयर अगर आपको चाहिए एक टीम बनाने के लिए तो मैं आपको कितना दे दिया, 10 प्लेयर के बारे में बताइए और क्या चाहिए आपको, बताओ बताओ आपको और क्या चाहिए, टीम चाहिए, टीम कहां पर हम देते हैं, टेलीग्राम चैनल पर, तो जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, जाके ज्वाइन कर लो, जैसे लाइन आउट हो जाएगा आप लोगों को टीम भी मिल जाएगा, बट टीम पे यार मत जाओ, प्रेडिक्शन पे अगर आप लोग चाहोगे तो जीएल भी आप लोग जीत सकते हो, टीम कॉपी करके आप कभी भी जीएल विन नहीं कर सकते हो मेरे भाई। उम्मीद करता हूं कि सब कुछ आपको समझ में आ गया, तो ओके दोस्तों, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हो रहेंगे सही नया वीडियो।